नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर किया पलटवार, कहा ईडी व आईटी की वजह से सभी कर्मचारी पहले से ही दबाव में हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा मतगणना में लगे अधिकारी कर्मचारी सरकार के दबाव में हैं। और धान खरीदी को लेकर भाजपा कांग्रेस के नेता आमने सामने, नई सरकार के इंतजार में किसान केंद्रों में नहीं बेच रहे धान। दो दिवसीय तेलंगाना दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ईडी और आईटी की वजह से सभी कर्मचारी पहले से ही दबाव में हैं। भाजपा अब जबरदस्ती क्यों नौटंकी कर रही है। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान देखा है कि सामग्री बांटे जाने की शिकायत के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी को धमकी दी गई है कि देख लो, ईडी और आईटी तुम्हारे यहाँ भी आ सकती है। तेलंगाना चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि तेलंगाना में सभी दल के स्टार प्रचारक पहुंचे हुए हैं। वहां जबरदस्त चुनावी सभा और कशमकश देखने को मिल रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। वहां भी हमें कांग्रेस की सरकार आती हुई दिख रही है। तेलंगाना में सारे दल के स्टार प्रचारक पहुंचे हुए हैं और जबरदस्त वहां चुनावी सभा और कशमकश, तो इस समय तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस की जबरदस्त माहौल है। पीएम मोदी के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब आप दूसरों को मूर्खों का सरदार बोलते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता, जो आप दूसरों को दे रहे हैं वही आपको मिलेगा। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो मूर्खों के सरताज कहेंगे तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, जो जनता बोलती है यदि वो राहुल जी बोल दे तब उसमें शिकायत भी हो जाती है, कार्रवाई भी होती है, नोटिस भी हो जाता है। भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतगणना में लगे हुए अधिकारी व कर्मचारी कांग्रेस सरकार के दबाव में हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि काउंटिंग में हमने अपने कार्यकर्ता को सतर्कता बरतने का आह्वान किया है क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और मतगणना में लगे हुए अधिकारी और कर्मचारी सरकार के दबाव में हैं क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक की संभावना होती है। देखिए, काउंटिंग में हमने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्कता बरतने का आह्वान किया है क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, मतगणना में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में हैं और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के माध्यम से गड़बड़ी करने की संभावना होती है। भिलाई में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदूषित रामायण कहकर किताब लाया गया जिस पर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। इसे लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही तुष्टिकरण की राजनीति करती है। जहां पर मुख्यमंत्री जी के पिताश्री हमारे भगवान के विरोध में अनर्गल बातें करते हैं तो उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से तुष्टिकरण की राजनीति करती है और जहां पर मुख्यमंत्री जी के पिताश्री हमारे भगवान के विरुद्ध में अनर्गल बातें करते हैं उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का काम लोगों को धर्मांतरित करना, अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए बहुसंख्यक समाज का अपमान करना, यह कांग्रेस की नीति रही है, उसका सबक इस चुनाव में जनता सिखाएगी। देखिए, कांग्रेस का जो काम है कि लोगों को धर्मांतरित कराना, अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए जो बहुसंख्यक समाज है उसका अपमान करना, तो कांग्रेस की नीति रही है और उसका सबक अभी इस चुनाव में जनता सिखाएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा को लेकर कांग्रेस व भाजपा ने जब से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसके बाद से धान खरीदी की रफ्तार धीमी हो गई है। किसान नई सरकार के इंतजार में खरीदी केंद्रों तक अपनी फसल लेकर नहीं पहुँच रहे हैं। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि भाजपा को 2018 याद रहना चाहिए जब किसानों ने कांग्रेस की सरकार बनने का इंतजार किया था और इस बार भी धान को लेकर जो वादे कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए हैं इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रदेश के किसान कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। भाजपा नेताओं को दिन में सपना देखने की बीमारी लग गई है। भाजपा को याद करना चाहिए 2018 का
वो समय जब मतदान के पश्चात किसान धान बेचने सिर्फ इसलिए नहीं गए थे कि कांग्रेस ने घोषणा किया था किसानों कर्ज माफी का, धान की 25% देने का, और वही स्थिति अभी भी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रदेश के किसान और माता बहनों ने भरोसा किया है। किसान इसलिए धान बेचने जा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनेगी, किसानों का कर्ज माफी होगा, धान के 3200 रुपये मिलेगा, 200 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलेगी और बहुत सारी योजनाएं इस प्रदेश के लिए है, इसलिए किसान धान बेचने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर ना तो किसान भरोसा किया, ना माता बहने भरोसा की, ना युवा भरोसा किए, और भाजपा कार्यकर्ता और नेता भी भाजपा घोषणा पत्र भरोसा नहीं किए हैं, वो भी कांग्रेस घोषणा पत्र भरोसा किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि मंडियों में धान बेचने वाले किसानों की कमी का मुख्य कारण भाजपा के घोषणा पत्र में धान पर किए गए वादों को लेकर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश का हर एक व्यक्ति भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल को देख चुका है, जिसमें उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है, इसलिए वे भाजपा की सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। कि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि 2018 में कांग्रेस के बढ़े हुए दामों पर किसानों ने विश्वास व्यक्त किया था, लेकिन इस बार का 2023 का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में जो किसानों के लिए जो लाभदायक जो चीजें प्राप्त हुई हैं, उसका इंतजार इस बार किसान बीजेपी के घोषणा पत्र के आधार पर कर रहा है, और बीजेपी की सरकार बनते ही किसान मंडियों में जाकर अपने धान को बेचेगा। प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर धान खरीदी केंद्रों में सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने कहा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए कलेक्टरों को खरीदी केंद्रों में धान का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। प्रदेश में इस समय समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। धान को बारिश से बचाने के लिए उपार्जन केंद्रों में कैप कवर, ड्रेनेज सहित सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की सहूलियत का ध्यान रखा जाए। धान उपार्जन केंद्रों का भ्रमण कर बारिश से धान को सुरक्षित रखने की सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। कुरूद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने निर्वाचन आयोग के कार्य पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दबाव में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि भाजपा द्वारा लगाए गए शिकायतों पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, क्योंकि केयरटेकर मुख्यमंत्री के दबाव में इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा है, आज उस विषय के लिए मैं नहीं बैठा हूं। आज मैंने कहा कि 3 तारीख को सरकार बन रही है और जो लोग केयरटेकर मुख्यमंत्री के दबाव में हैं, वो इस बात को सुन लें। अजय चंद्राकर ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देगी तो हम दिल्ली में जाकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करेंगे। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए वे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की पेंट गीली हो गई, समझ रहे हैं, तब उसके बाद वो रक्षात्मक होने लगे और बकवास करने लगे। जितनी चीजें उन्होंने उल्लंघन की, एक फॉर्म भरवा के कोई भी कार्यकर्ता यदि फॉर्म भरवाता है तो वो भाजपा के द्वारा भरवाया गया, ये क्यों कह रहे हो आप? साबित करें उसको जाके कि भाजपा का फलाना कार्यकर्ता भाजपा के फलाना कार्यक्रम में इसको बेदर पोस्टर लगा के भरवाया गया है करके दें। ऐसा केयरटेकर मुख्यमंत्री घोषणा पत्र की गारंटी के बाद नेहरू खानदान से ऊपर हो गया और खुद गारंटी देने लगा कि मैं 15,000 दूंगा करके। केयरटेकर मुख्यमंत्री की बात का भरोसा नहीं होता है। पहली बार है कि दोबारा घोषणा पत्र जारी करना पड़ा, इतना डिफेंसिव कांग्रेस की भूमिका थी। अजय चंद्राकर ने कहा कि मतगणना की व्यवस्था और स्ट्रांग रूम, बैलेट पेपर, बुजुर्गों के मतदान की जानकारी नहीं दी जा रही है, सत्ता दल को फायदा पहुंचाया जा रहा है, कांग्रेस के दबाव में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, लोकतंत्र में सरकार स्थायी नहीं होती, 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाने जा रही है। देश के निर्माण में युवाओं की भूमिका को देखते हुए बालको बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पहल पर निरंतर कार्य कर रहा है। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से युवाओं के सर्वांगीण विकास में योगदान दे रहा है। बालको अपने प्रोजेक्ट आरोग्य के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के साथ समुदाय में पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। कंपनी अपने सामुदायिक विकास परियोजनाओं के माध्यम से बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए स्तनपान और अन्य स्वस्थ प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देती है।
टेक होम राशन के तहत सरकार के पूरक भोजन प्रावधान के साथ माताओं को पौष्टिक व्यंजनों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। बालकों पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के पहलुओं से आगे बढ़कर कौशल निर्माण और व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहल के माध्यम से सर्वांगीण विकास के महत्व पर जोर देता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।